नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बिहार की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। नॉमिनेशन का डेट केवल एक दिन बचा हुआ है पहले फेज के नॉमिनेशन का, और इससे पहले बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको ये पहुंचा रहे हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने जो है अपने 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अभी से केवल थोड़ी देर पहले ये स्पष्ट हुआ था भाजपा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि मुकेश सहनी भी मौजूद थे, कि बिहार विधानसभा चुनाव में VIP जो है वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद से ही, इसके थोड़ी देर के बाद सार्वजनिक घोषणा हो चुकी है मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से, कि वो जिन 11 सीटों पर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो है चुनाव लड़ रही है, उसकी पूरी लिस्ट जो है सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन सी 11 सीट है जिस पर कि मुकेश सहनी की पार्टी को जो है अपने कैंडिडेट्स को सिंबल दे रही है। पहली सीट जो मैं हम आपको बता रहे हैं ये है बनियापुर। बनियापुर के बाद दूसरी सीट है अलीनगर। अलीनगर के बाद बलरामपुर। बलरामपुर के बाद साहेबगंज। साहेबगंज पर केवटी। इसके बाद मधुबनी, सुगौली, सिमरी बख्तियारपुर, गौरा बोराम, बोचहा और ब्रह्मापुर। ये 11 सीटें जो हैं, इन सीटों पर विधानसभा चुनाव में इस बार मुकेश सहनी अपने पार्टी की उम्मीदवार उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अब और ज़्यादा दिलचस्प होते जा रही है बिहार की राजनीति, क्योंकि अभी अभी मुकेश सहनी की पार्टी ने इस बात को सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि वो बिहार में ब्रह्मापुर, बोचहा, गौरा बोराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर और बनियापुर, इन 11 सीटों पर जो है वो आधिकारिक तौर पर NDA के साथ जो है तमाम बाकी 3 अलायंस पार्टनर्स के साथ वो चुनाव मैदान में उतरेगी। तो अब जो है नॉमिनेशन के लिए, फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के लिए कुछ घंटों का ही वक्त बचा हुआ रह गया है, और उससे पहले सभी पार्टियां जो हैं अपने कैंडिडेट्स के बारे में, अपनी सीटों के बारे में उनमें क्लैरिटी दे देना चाहती हैं। और इसी क्लैरिटी को देने के लिए हमने कल भी देखा था कि BJP ने अपने सभी सीटों का ऐलान कर दिया था, हालांकि नामों की घोषणा भी नहीं उसमें की थी। उसके बाद JDU भी अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करने वाली है। ये जो है अब से कुछ मिनटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है JDU का, उसमें वो अपने नामों का ऐलान करेंगे। केवल कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है पहले फेज के चुनाव के नॉमिनेशन का, और उससे पहले सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का नाम ताबड़तोड़ क्लियर कर रही है। हम रखेंगे आपको सबसे आगे, आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। नमस्कार।